तो देश के लिए लॉकडाउन बढ़ाना क्यों जरूरी है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही बता चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाता तो देश में कोरोना के 8 लाख से ज्यादा मरीज हो जाते अगर इसे सही वक्त पर लॉकडाउन नहीं घोषित किया जाता तो। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अगर 25 मार्च से लगातार 30 अप्रैल तक देश बिना लॉकडाउन के रहता तो कोरोना मरीजों की संख्या क्या हो सकती है? एक रिपोर्ट देखिए और समझिए। आज तक अगर हमारे देखें तो टोटल 8,356 पॉजिटिव केसेस हमारे पास पाए गए हैं, 273 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड सो फार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े 12 अप्रैल यानी आज शाम 4 बजे दिए हैं। आप राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से दुनिया के दूसरे देशों में, चाहे अमेरिका हो, इटली हो, स्पेन हो, इन देशों से तुलना करेंगे तो आप बेहद सुरक्षित दायरे में हैं क्योंकि आप लॉकडाउन में हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या क्या होती? आज कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या 8,000 के आसपास है वो 8 लाख को पार कर जाती और मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा होती कि आप सोच भी नहीं सकते। ICMR के मुताबिक 25 मार्च को अगर लॉकडाउन और रोकथाम के फैसले न होते तो 15 अप्रैल तक कोरोना के 8,20,000 लोग कोरोना संक्रमित होते। 25 मार्च को अगर बिना लॉकडाउन के सिर्फ रोकथाम की जाती तो 15 अप्रैल तक संक्रमितों का आंकड़ा 1,20,000 के करीब पहुंचता। लेकिन 25 मार्च से ही लॉकडाउन और रोकथाम के उपाय दोनों किए जाने से भारत में अभी कोरोना के केस 8,000 के आसपास हैं और ये भारत के पक्ष में सबसे सफल फैसला साबित हुआ है। हम कोई एक्शन ना लेते हो तो शायद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो 41% की ग्रोथ रेट से, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से अगर केसेस बढ़ते तो हम आज की तारीख में शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 8.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते। लेकिन ये लॉकडाउन की तस्वीर अधूरी है। आपको ये भी समझना होगा कि अगर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन नहीं हुआ तो देश का क्या होगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर 25 मार्च से 30 अप्रैल तक लगातार न लॉकडाउन और न ही रोकथाम किया जाता तो भारत में कोरोना के 20 लाख से ज्यादा मामले होते और बिना लॉकडाउन के सिर्फ रोकथाम की बात होती रहे तो कोरोना के 5 लाख से ज्यादा मामले हो सकते थे। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना वचन निभाना है। ये आंकड़े आपको हैरान कर सकते हैं लेकिन दुनिया में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं वो कोरोना संक्रमण के आतंक की सच्चाई है और भारत ने सच्चाई को पहले ही भांप लिया और खींच दी एक लक्ष्मण रेखा। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांगी जाए। साफ है भारत ने सही समय पर सही फैसला लिया है और इसकी तस्दीक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कह रही है कि भारत में जिस तरह से समय रहते लॉकडाउन लगाया गया और कदम उठाए गए इससे 100% सकारात्मक परिणाम रहा है। वहीं अमेरिका ने कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए जो कोशिशें की उसके 67% नतीजे आए हैं। भारत ने अब तक कोरोना के खिलाफ शानदार तरीके से जंग लड़ी है और अगर लॉकडाउन पार्ट 2 हो गया तो भारत को कोरोना के खिलाफ जंग जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें जहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 134 पहुंच गई है। 104 से सीधे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 134। आगरा में जमात से जुड़े हुए 8 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। आगरा में कुल 134 संक्रमितों की संख्या अब हो चुकी है। लोगों में 60 जमात से जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, चूंकि कल तक आगरा मॉडल की चर्चा हो रही थी लेकिन आज यहां पर संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी। चिंता यहां पर एक बार फिर बढ़ती हुई शोभित का रुख करेंगे। शोभित, ये मामले फिर बढ़े 134, 108 से सीधे। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह, अगर बात की जाए आगरा की तो कल बढ़े थे 12 मामले और आज सीधे 30
बढ़ गए हैं मामले जो कि पॉजिटिव केस हैं और संख्या 134 पहुंच गई है जो बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल जिस प्रकार से प्रशासन ने हॉटस्पॉट किए थे, सारे एहतियात बरते थे, उसके बावजूद लगातार ये संख्या बढ़ रही है और अब ये आंकड़ा 134 पहुंच चुका है। फतेहपुर सीकरी इसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ है जहां पे आज प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगा जी। और यहां पर ये भी गौर करने वाली बात है शोभित की 60 जमात से जुड़े हुए लोग हैं ये जो संक्रमित हैं पूरे 134 लोगों में से। देखिए अगर जमातियों की बात की जाए तो करीब 400 जमाती के आसपास आगरा में क्वारंटाइन किए गए हैं, इनमें से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है जिससे कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फतेहपुर सीकरी में एक गाइड है जावेद अली, इनके संपर्क में आने से 14 लोग जो आज जो आंकड़े आए हैं 30 के, 14 वो लोग हैं जो उनके संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा है, प्रशासन अब इस पर कार्रवाई करेगा। शुक्रिया आपका शोभित, अपडेट इस बड़ी खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए।